हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस लहराएगी जीत का झंडा। बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ, कांग्रेस नेता ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अब की बार हरियाणा की जनता कांग्रेस को लाने का मन बना चुकी है। प्रदेश में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। भाजपा के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कहने से कुछ नहीं होता है, वो 600 पार भी बोल सकते हैं। अंबाला संसदीय सीट पर कांग्रेस के पार्टी प्रत्याशी वरुण मुलाना का नामांकन दाखिल करवाने आए पूर्व सीएम हुड्डा ने यह बात कही। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा के नामांकन पर न जाने तथा विरोधियों द्वारा इसे गुटबाजी बताने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अंबाला संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना बृहस्पतिवार को संविधान की प्रति लेकर नामांकन दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर शालिन के कार्यालय पहुंचे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व कैबिनेट मंत्री निर्मल सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर वरुण चौधरी ने कहा कि हमने प्रण लिया है कि हम संविधान को बचाएंगे, चाहे इसके लिए अपने बल भी क्यों ना देनी पड़ जाए, हमने देश के संविधान को बचाना है। वरुण मुलाना ने कहा कि जुमलेबाजों की कोई गारंटी नहीं हुआ करती है, इसलिए जनता में आक्रोश है, लोग भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं, जुमलेबाजों की अति हो गई है, आवाज दबाने की अति हो गई है, सभी वर्गों की आवाज को लाठियों से दबाया जा रहा है। मोदी की गारंटी पर तंज कसते हुए वरुण मुलाना ने कहा कि जुमलों को कोई गारंटी नहीं होती, हर वर्ग भाजपा से दुखी है, किसानों को अपने ही देश की राजधानी नहीं जाने दिया जा रहा है, जनता इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। वरुण मुलाना ने कहा कि उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। मालूम हो कि वर्ष 1999 में भाजपा प्रत्याशी रतन लाल कटारिया से वरुण के पिता फूलचंद मुलाना लोकसभा चुनाव में हार गए थे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अंबाला में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए IMT का निर्माण किया जाएगा। यह ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है, बल्कि देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा में यह गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और 36 बिरादरी बीजेपी को मात देकर इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। यह जीत केंद्र के साथ हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार की नींव रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर केंद्र में 30 लाख तो हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को बिना पेपर लीक योग्यता अनुसार पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी, साथ ही किसानों को MSP की गारंटी और कर्ज से मुक्ति दी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के विरुद्ध लड़ने के लिए घोषणा पत्र के रूप में सबसे बड़ा हथियार हमें सौंपा है। जहां जहां कांग्रेस का घोषणा पत्र पहुंचेगा, वहां से बीजेपी का सफाया होता जाएगा।